नमस्कार, खबर लाइव में आपका स्वागत है। जनता की बात, आज का मुद्दा महिला सुरक्षा। क्यों जरूरी हो जाता है ये मुद्दा बार बार, क्यों जरूरी हो जाती है इस पर बात करना? देखने में आता है जब भी कोई महिलाओं के प्रति अपराध होता है उसके बाद बहुत सी एनजीओ सरकारी तंत्र अलर्ट होने का दावा करता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही घटनाएं फिर दोबारा से होती हैं। ऐसा ही मामला गुरुग्राम में कोरियन लड़की के साथ छेड़छाड़, उससे पहले बच्ची से दरिंदगी, दिल्ली में बच्ची से दरिंदगी। एनसीआर में अगर किसी भी ओर देखो महिलाओं के साथ कहीं ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। ताज़ा मामला और भी चौंकाने वाला है। दिल्ली में एक छात्रा अपने कॉलेज से घर के लिए बस में यात्रा कर रही है। साथ वाली सीट पर बैठा व्यक्ति उसके साथ बदसलूकी करता है, छेड़छाड़ करता है। लड़की मदद के लिए बस में खड़े पुतलों को पुकारती है। पुतला शब्द हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भरी बस में लड़की की मदद के लिए कोई नहीं आया, तो साफ जाहिर है कि बस में इंसान नहीं पुतले ही सफर कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फोन पर मैसेज देते हैं, बात करते हैं, रेडियो पर दिल्ली की सड़कों पर मदद की बात करते हैं, किसी मजबूर को अकेला ना छोड़े, मदद करें, खासकर महिलाओं की मदद करें, समाज को बदलना होगा, सोच बदलनी होगी। आपने देखा होगा बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अपनी रैलियों को लेकर इतनी संजीदा होती हैं कि पूरा जान लगा देती हैं, घर घर लोगों तक पहुंचती हैं, रैली में आने का न्यौता देती हैं। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक महिला सुरक्षा को लेकर घर घर जाके लोगों को समझाने की कोशिश की? मानसिकता बदलने की जरूरत है। जनता की जो आवाज़ है, जो महिलाओं की आवाज़ है, उनका साफ कहना है कि सरकार के साथ साथ समाज की मानसिकता इस मामले में बदलना बहुत ज़रूरी है। बड़ा गंभीर विषय है ये। रेडियो जॉकी ने डॉक्टर को फ़ोन करके कहा कि वो गर्भपात कराना चाहता है, डॉक्टर ने उसको हड़का दिया, जेल जाओगे, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी, तुम बेटी को मारना चाहते हो। तो रेडियो जॉकी की बात कहीं हद तक सच थी। उसने कहा कि डॉक्टर मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची से रेप हो। तो किस कदर भय का माहौल महिलाओं के प्रति है। बेटियों के माँ बापों को तब तक डर बना रहता है जब तक उनकी बेटी स्कूल कॉलेज या काम से लौट ना आए। सुरक्षा की बात, सुरक्षा के दावे कहीं दिखाई नहीं देते। दिन में सरेआम लड़कियों के साथ वारदात होती है, फिर दावे किए जाते हैं, फिर व्यवस्था बढ़ाई जाती है, लेकिन रिजल्ट कुछ दिनों बाद फिर कोई ना कोई लड़की किसी हादसे का शिकार होती है। सोच बदलने की ज़रूरत है, समाज बदलने की ज़रूरत है, समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और जब तक सामाजिक संस्थाएं सोच बदलने का काम नहीं करेंगी, हमारे भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं करेंगी, इन घटनाओं पे लगाम लगना बड़ा मुश्किल है। ये सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है या एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी घटनाओं पर रोक लगाएं, अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने बच्चों को महिलाओं के प्रति सम्मान का पाठ पढ़ाएं। नैतिक शिक्षा एक सबसे ज़रूरी विषय जो अब किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। पहले के ज़माने में नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी थी। जब तक नैतिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी, उनकी मानसिकता में बदलाव आना बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले भी ये बात उठी थी, जब हम लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं नैतिकता नहीं। किसके अंदर नैतिकता नहीं, ये हम सबको सोचना होगा। सभी के लिए ज़रूरी है कि हम इस विषय को गंभीरता से सोचें और अपनी बेटियों को सुरक्षित करने के लिए सोच में बदलाव लाएं, युवाओं को हम समझाएं, भटके हुए युवाओं को समझाकर उनकी काउंसलिंग करके उनको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, ताकि हमारे देश की बेटियां सुकून के साथ अपने स्कूल कॉलेज और काम पर जा सकें। जब वो काम पर या स्कूल कॉलेज जाएं तो उनके माँ बाप चिंता ना करें, भय में ना रहें, इस तरह का माहौल हमें लाना होगा और इसकी कोशिश हम सबको करनी होगी। नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात।